लेकिन अब दूसरी तरफ जो नंदिनी थी वो अपनी प्यारी सी दोस्त रम्या को अपनी ओर आते हुए देख और गुस्से से देखते हुए देख यहाँ पर वो पूरी तरह से परेशान थी। अब इसी चीज को देखते हुए नंदिनी का गुस्सा बढ़ जाता है और अब वो ड्राइवर को देखने लगती है। वो उससे कहती है, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत ज्यादा झूठ बोल दिया है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है, क्या हुआ था वहां पर? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो उसके बाद मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो और उसके बाद मैं तुम पीट पीट कर यहीं पर ही मार डालूंगी। जो यहाँ पर नंदिनी थी वो कहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराज थे वो भी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ तुमने वैसे जानते ही हो ना कि हमारे महल के रूल्स क्या हैं और उन सभी चलते हुए अगर तुम वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। वहाँ जो महाराज था वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसको दबाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो ड्राइवर था उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ वही धम धम के मारे वहां पर वो नीचे की तरफ गिर जाता है और घुटनों के बल बैठने के साथ में वो किरकिराने लगता है और कहता है, प्लीज मिस, प्लीज महाराज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये मेरी गलती नहीं है, ये इसकी गलती है, वो वहां पर कहने लगता है और राघव की तरफ इशारा करने लगता है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर नंदिनी कहती है, अच्छा तो बताओ मुझे उसने क्या ऑफर दिया तुम्हें। तो उसके साथ में ही ड्राइवर जल्दी से अपने कांपते हुए हाथों के अंदर से यहां पर आस्तीन के अंदर हाथ डालता है और वहां से एक थैली बाहर निकाल लेता है और कहता है, मिस मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती नहीं है, ये यहां पर इसकी गलती है, इसने मुझे यहां पर 50 सिक्के दिए थे इसका साथ देने के लिए, ये राघव ने मुझे दिए थे। उसके साथ में वो उन सिक्कों को आगे फेंकता हुआ उसे कहने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उसकी वो बात सुनने के साथ में जो राघव था वो घबरा चुका था, वो नहीं समझ पा रहा था कि उसको करना क्या चाहिए, लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर चुप बैठ जाता है तो उसके बाद में वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसने कहा, नहीं मिस, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे, तुम वास्तव में यहाँ पर झूठ मत बोलो, तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर फंसाने के बारे में सोचा हुआ है। राघव अपनी सफाई देने लगता है और वो उससे कहने लगता है, मिस मिस प्लीज मिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मिस मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जब वो बोल ही रहा था कि उसी बीच चुप रहो तुम, बस बहुत हुआ, रम्या का गुस्सा बढ़ चुका था। रम्या अब यहाँ पर सारी बातें सामने आ चुकी थी, सारी बातों को उजागर होते हुए देखकर रम्या का गुस्सा दिमाग पूरी तरह से सरक चुका था। आखिरकार ये कितना ज्यादा अपमानित था ये कि आखिरकार उसका जो बटलर था वो उसे झूठ बोलता है और उसके साथ में यहाँ पर वो कहती है, ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार कालिया कैसे मारा गया। इस जगह जो रम्या थी वो अपनी आवाज तो भारी करती है और ड्राइवर से पूछती है और वो कहती है, सारी बातें मुझे विस्तार से बताना कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो ड्राइवर था वो कहती है, हाँ मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो यहाँ पर सब कुछ फर बताने लगता है जो जो यहाँ पर उसके सामने हुआ था। वो बोलने लगता है, मिस बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये दोनों बंदे है ना, इन लोगों ने कालिया को परेशान करने के बारे में सोचा, वो उसके पास में चले गए उसको टच करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालिया बेचारा अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से भागा। वो भागते हुए दीवार की तरफ चला गया और उसने अपने सर को वहां पर जोरदार दे मारा, जिसकी वजह से वहां पर उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं पर ही मारा गया। वो वहां पर उससे वो शब्द कहता है, लेकिन जैसे वो वहां पर उससे वो शब्द कहता है तो उसके साथ में राघव का मुंह फड़फड़ करने लगता है। हाँ तुम्हें क्या कह रहे हो, नहीं तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, क्या मैं वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता हूँ, हे भगवान मुझे ऊपर उठा लो, ये बंदा क्या कहना चाहता है कि मैंने उसको छेड़ा, अरे भाई वो यहाँ पर एक घोड़ा था, घोड़ी भी नहीं थी, जब मैं उसको छोड़ने लगा, आखिरकार तुम बेवकूफ इंसान, तुम ये कहना क्या चाहते हो कि मेरे टच करने के साथ में उसको अपनी इज्जत प्यारी हो गई थी। इस जगह पर राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्पष्टीकरण कैसे दे, अरे भाई आखिरकार मैं क्या ऐसा करने वाला हूँ, वो भी एक घोड़े के साथ में, छी ये कितनी ज्यादा बुरी बात थी, ये सोचने में इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि आखिरकार उसको वो खुद यहाँ पर नहीं कह सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर था वो कहता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मिस अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना तो आप जाकर वहाँ पर बहुत सारे जने थे जिन लोगों ने इस सारे दृश्य को देखा था, आप उन सभी से भी यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं कि किस तरह से जो कालिया था वो दीवार की तरफ जाता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी गर्दन को वहाँ देकर तोड़ लेता है और वो सभी के सामने मर जाता है। वहाँ पर वो उनको बताता है
उसकी बात सुनते हुए सभी लोग एक पल के लिए यहाँ पर सोच के अंदर पड़ गए थे और राघव को देखने लगे थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या ये कितना कमीना इंसान है, एक घोड़े तक को नहीं छोड़ा ये, हे भगवान आखिरकार इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराज अपने आप को दबाता है और कहता है, ठीक है सेनापति, एक बार जाकर देखो क्या वापस ऐसा कुछ है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एक सेनापति था वो आगे बढ़ता है और उसके साथ में वो उस काले के पास में जाता है और उसकी गर्दन को टच करके देखने लगता है। थोड़ी देर बाद में वो अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ महाराज बात कुछ ऐसी है कि काले की गर्दन यहाँ पर टूटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर ये किसी हार्ड चीज के साथ में टकराया था जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही राघव की दुनिया हिल चुकी थी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको यहाँ पर करना क्या चाहिए क्योंकि वास्तव में अब उसके पास में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर रम्या को देखता है तो वो पाता है कि रम्या का चेहरा पहले से ही काला जड़क हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो उसकी यहाँ पर सामत आने वाली है। वो कहती है, राघव अब क्या आपको कुछ और कहना है, क्या अभी भी आपको कुछ ऐसी बात कहनी है जो वास्तव में मुझे अपनी सारी बातों को चेंज करने के काम आ जाए। मैंने आपके ऊपर भरोसा किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप वास्तव में इतने घिनौने निकलोगे। आखिरकार काले में क्या बिगाड़ा था आपका, आखिरकार आपकी इतनी ज्यादा गंदी दृष्टि वो भी काले के ऊपर। अरे मुझसे कर देते हैं, मैं आपको किसी को दिलवा देती लेकिन काले के ऊपर। जी 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 जी, मैं जो यहाँ पर सोच रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप मो परिवार के एक बटलर हैं। ये सब कुछ सोचते हुए रम्या को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था। लेकिन अब राघव का चेहरा पूरी तरह से शर्म से काला पीला लाल हरा सब कुछ हो चुका था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। वो यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसके ऊपर ऐसे कौन सी चीजें लगाई जा रही है। ये तो उसकी पूरी इज्जत का फोलोदा कर देने वाला था। सभी लोग ये कहेंगे कि राघव ने यहाँ पर एक घोड़े के ऊपर बुरी नजर रखी हुई थी, वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। वो कहता है, लेकिन मिस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है माना कि यहाँ पर मैं टच करते हैं वो वहां से वो भाग गया था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर ऐसी कोई सी भी नजर उसके ऊपर नहीं रखी थी। वहां पर राघव अपना स्पष्टीकरण देने लगता है और उसके साथ में कहता है, ठीक है मिस एक बात मेरी बात सुनिए, बात कुछ ऐसी है, चलिए मान लिया कि यहाँ पर कालिया को मेरी वजह से मारा है, आखिरकार वो मेरे से बचकर भागा उसके बाद में वो मारा है, लेकिन क्या आप मुझे ये स्पष्टीकरण बता सकती हैं कि आखिरकार उसके नीचे वो सारी चोटें कैसे लगी, आखिरकार अगर वो मर चुका था तो मुझे यहाँ पर कौन सी आदत थी जिसकी वजह से मैंने उसको वो चोटें पहुंचाई और उसको वहां पर मार डाला गया, क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर भी ऐसा कुछ है। यहाँ पर जो राघव था वो चुप नहीं रहने वाला था, वो जानता था कि अगर जाएगा तो उसके साथ में वो दूसरे को भी लेकर ही जाने वाला था। उसके साथ में वो कहता है, मिस यहाँ पर कालिया को पहले से ही बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान करके रखा गया था इस विपिन ने, उसके बदौलत यहाँ पर काले इसी हालत हुई है। आखिरकार बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा उसके पेट को काट कर उसके अंदर से मांस को निकाल कर उसको वापस से सिल देना। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर जिंदा के अंदर से उसके दिल को बाहर निकाल कर कहना कि तुम यहाँ पर जीते रहो और बस ऐसे ही चलते रहो। ये यहाँ पर इस विपिन की गलती है, इसी ने ऐसा सब कुछ किया था वो सब कहने लगता है। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनते हुए विपिन अब बीच में बोल पड़ता और कहता है, बस बहुत हुआ राघव, आपकी यहाँ पर मैं इज्जत करता था, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको मैं यहीं पर ऐसे छोड़ दूंगा, लेकिन आपने मुझे अभी तक भी नहीं छोड़ा, आखिरकार आपने उसको मारा है, मेरे प्यारे कालिया को मारा है, और अब आप मेरे से ये कह रहे हैं कि वास्तव में मैंने उसको मारा है। हे भगवान, हे प्रभु, हे कायनात, मुझे उठा लो, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं मुझे फंसाने के लिए, आखिरकार मेरे साथ में इतना दुर्व्यवहार कैसे हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं एक छोटा रैंक का नौकर हूँ, लेकिन वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था, आखिरकार ये लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। विपिन नौटंकी के साथ में उनसे कहने लगता है। विपिन की जो नौटंकी थी वो एक नंबर थी, उसकी एक्टिंग को देखने के साथ में सभी घायल हो गए थे, सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। नंदिनी तो उसको चुप कराने के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन वहीं उसको बीच में रोकते हुए आकव कहता है, बस विपिन तुम्हारी इस एक्टिंग को बंद करो, यहाँ मिस आपको ये तुषार बताएगा कि वहाँ क्या हुआ था। तो उसकी बात सुनते हुए तुषार आगे बढ़ता है और कहने लगता है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर कही रहा था कि अचानक से वो कहता है, क्या तुषार और ये मेरे को यहाँ पर गवाही देने वाला है, आखिरकार तुम दोनों की मिली भगत है। तुषार तो पहले से यहाँ पर तुम्हारी बातें बोल रहा था, तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पर वो सच्चाई बोल सकता है। मिस रमिया ये दोनों मेरे को फंसाना चाह रहे थे, आप भी ये जानते हैं, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसकी कोई सी भी गवाही साथ में बोल सकती है।
उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो कहती है, हाँ तो सर अब तुम बीच में नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी गवाही का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर अब कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसके साथ वो कहती है, राघव अब आप बताइए आपको यहाँ पर और कुछ बोलना है क्या, आपको अभी भी कोई स्पष्टीकरण देना है। लेकिन राघव फिर से कहता है, लेकिन मिस आप ये बताइए कि आखिरकार, चलो ठीक है वहाँ पर कालिया मारा गया था लेकिन उसके पेट के ऊपर वो सारे के सारे कट कैसे लगे थे। लेकिन अब विपिन का दिमाग खराब होता है और वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हो। तो उसके साथ में वो पीछे पलटता है और कहने लगता है, हम लोगों ने देखा था कि जो कालिया था उसने यहाँ पर उस ब्लड पत्थर को खा लिया था जो यहाँ पर मिस मनीषा का था, आखिरकार अब आप बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी आगे बढ़ती है और कहने लगती है, हाँ हाँ रमिया तुमने भी तो देखा था ना कि कालिया ने वहाँ पर उस ब्लड पत्थर को खा लिया था, तुम्हें पता है ना कि वो मनीषा के लिए कितना ज्यादा कीमती था और इसके अलावा वो वैसे भी बहुत ज्यादा कीमती था, कोई भी बंदा यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा कि यहाँ पर कालिया ने उस पत्थर को खा लिया है। तो उसके साथ में वो यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे, वो जानते थे कि उस पत्थर को बाहर निकाला जा सकता था। तो अब तुम ये बताओ कि यहाँ क्या हो सकता है। जो नंदिनी थी अपना शरीर लाते हुए वो उन सभी से कहने लगती है, उसकी वो बात सुनते हुए सभी लोग अपना शरीर लाते हैं और टाटा बाय बाय कह देते हैं क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही, टाटा बाय बाय सायोनारा।